आईपीएल 2025 से पहले फिनिशर रिंकू सिंह ने केकेआर का साथ छोड़ने का किया फैसला। रिंकू सिंह ने खुद ऐसा बयान देकर केकेआर के मालिक शाहरुख खान को दिया बड़ा झटका। केकेआर से अलग होकर इस टीम में जाना चाहते हैं रिंकू। मेगा ऑक्शन से पहले मचाई खलबली। आईपीएल में रिंकू सिंह केकेआर के लिए खेलते हैं। केकेआर के लिए रिंकू सिंह सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक है। वहीं अब आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले रिंकू सिंह के एक बयान ने खलबली मचा दी। दरअसल रिंकू ने इच्छा जाहिर की है कि यदि मेगा ऑक्शन में केकेआर उन्हें रिलीज करती है तो वो आरसीबी की टीम में जाना चाहेंगे। एक इंटरव्यू में रिंकू ने इस बात का खुलासा किया है। रिंकू ने सीधे तौर पर कहा कि यदि आईपीएल 2025 का ऑक्शन से पहले केकेआर मुझे रिलीज करती है तो मैं आरसीबी में जाना चाहूंगा। इसका सीधा सा कारण है कि वहां विराट कोहली है। रिंकू के इस बयान ने यकीनन केकेआर के फैंस के होश जरूर उड़ा दिए होंगे। आईपीएल 2025 की चर्चा जोरों पर है। बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी आईपीएल की तैयारियों को लेकर पूरी तरह से कमर कस चुकी है, लेकिन फैंस इस साल दिसंबर में होने वाली मेगा नीलामी से पहले रिटेंशन लिस्ट के बारे में जानने के लिए बड़े उत्साहित हैं। किन प्लेयर्स को किया जाएगा रिटेन और किन खिलाड़ियों की होगी छुट्टी। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने इस टीम से खेलने की इच्छा जाहिर की है। आपको बता दें कि रिंकू को T20 वर्ल्ड कप 2024 की विजयी भारतीय टीम में रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया था। स्टार बल्लेबाज ने आखिरी बार सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में श्रीलंका खिलाफ T20 सीरीज में हिस्सा लिया था। केकेआर को होने वाली इस मेगा नीलामी से पहले रिटेंशन लिस्ट बीसीसीआई को सौंपनी होगी, जिसके बाद तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी कि किन प्लेयर्स को रिटेन किया गया है और किन खिलाड़ियों को नीलामी में छोड़ दिया गया है। फिलहाल उसमें कुछ महीनों का समय बचा है, लेकिन विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह आईपीएल 2025 से पहले रिलीज किए जाने का आभास हो चुका है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्हें फ्रेंचाइजी की ओर हिंट दिया जा चुका हो कि फ्रेंचाइजी आपको रिटेन करने वाली चार प्लेयर्स में शामिल नहीं कर सकती। रिंकू सिंह को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि यदि केकेआर की टीम उन्हें रिलीज कर देती है तो वो किस टीम से खेलना चाहेंगे। सूत्रों के मुताबिक केकेआर रिंकू को रिलीज नहीं करती तो वो बेंगलोर यानी आरसीबी की फ्रेंचाइजी से खेलना चाहेंगे। उन्होंने केकेआर के बाद दूसरी फ्रेंचाइजी आरसीबी से खेलने की इच्छा जाहिर की है। रिंकू सिंह की आईपीएल में एंट्री साल 2017 में हुई थी। उन्हें किंग्स 11 पंजाब में नीलामी में खरीदा था। हालांकि उन्हें इस फ्रेंचाइजी से कोई मैच खेलने को नहीं मिला। वहीं अगले ही साल उन्हें 2018 आईपीएल नीलामी में केकेआर ने 80 लाख रुपए में खरीदा था। तब से रिंकू इस फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं। उन्होंने केकेआर के लिए आईपीएल में 45 मैच खेले हैं, जिनमें 30.79 की औसत से उन्होंने 893 रन बनाए हैं, जिसमें इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक भी देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि रिंकू सिंह हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज में नजर आए थे। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने सीरीज में अपनी गेंदबाजी से दर्शकों का मन मोहा था और तीसरे मैच में 19वां ओवर भी किया था। ये मैच भारत ने सुपर ओवर में जीता था। 26 साल के रिंकू सिंह अब 25 अगस्त से शुरू होने जा रही यूपी T20 लीग में नजर आ सकते हैं। इसमें वो मेरठ मैवरिक्स की अगुवाई करते दिखेंगे। टूर्नामेंट से पहले बातचीत में रिंकू सिंह ने केकेआर में अपने भविष्य के बारे में बात की है। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।